नमस्कार दर्शकों, प्रभु सीरीज पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कामयाबी पानी है तो सिर्फ इस फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दें। मनुष्य को सुखी और सफल जीवन का सूत्र देते हुए बंट्रे ड्रेसेल ने कहा था, वही मनुष्य सुखी है जो अन्य पुरुषों के साथ, अन्य व्यक्तियों के साथ अपने संबंध को ना तो अचानक तोड़ता है और ना उनमें विषैलापन उत्पन्न होने देता है, जो समस्त मानव समाज के साथ आत्मीयता स्थापित करके आनंद का अनुभव करता है। इस मनस्थिति का निर्माण सहनशीलता के धरातल पर ही हो सकता है। जो व्यक्ति सहना जानता है वह सफल एवं सार्थक जीवन के ऊंचे शिखर तक पहुंच सकता है। व्यक्ति का ध्यान जब प्रतिकूलता और अभावों पर ही टिका रहता है, तब वह जिधर देखता है उसे डिसअपॉइंटमेंट और नेगेटिविटी के ही कारण दिखाई देते हैं। इससे कुछ लाभ वाली स्थिति का निर्माण नहीं हो सकता, बल्कि वह हमेशा मेंटल डिस्ट्रेस का ही अनुभव करेगा। आज के मनुष्य के लिए अपने स्वभाव को बदलने और अपनी आदतों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। जीवन के ब्राइट साइड को देखें और उससे कुछ इंस्पिरेशन लें तो जीवन में बहुत कुछ किया जा सकता है और बहुत कुछ पाया जा सकता है। अधिकतर लोग अपने आप को इंसुलैरिटी की ओर ले जाते हैं और छोटी चीज़ों से संतुष्ट होने की मेंटलिटी रखते हैं। वे बहुत कम से खुश हो जाते हैं। बड़ी सोच और बड़ा करने की भावना उनमें नहीं होती। हालांकि विकास, प्रगति और मौलिक सृजन के लिए बड़ी सोच, संघर्ष और साहस जरूरी है। बाहरी चमक दमक वाली जीवन शैली ने डेली नई समस्याओं को जन्म दिया है। हालांकि मनुष्य तृप्त, तुष्टि और शांति का रसा स्वादन करना चाहता है, किंतु जब तक वह अपने चिंतन को विशाल और चरित्र को उन्नत नहीं बनाता, तब तक सार्थक प्रगति एवं विकास से रूबरू नहीं हो सकता। सामूहिक जीवन की सफलता और सरलता का एक ही राज है, वो है टॉलरेंस। 17वीं सेंचुरी के जापान में रीसेंट मिनिस्टर ओचिशान का परिवार अपने यूनिटी के कारण पूरे देश में फेम प्राप्त कर रहा था। यह 100 व्यक्तियों का प्रबुद्ध परिवार था। वर्षों से संयुक्त परिवार की परंपरा चली आ रही थी। कभी किसी छोटी मोटी बात को लेकर भी परिवार में कोई शत्रुता नहीं हुई, ना कोई बैर हुआ। जापान के सम्राट यामातो के कानों तक जब यह बात पहुंची तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। सच्चाई का पता करने वह खुद मिनिस्टर के घर पहुंच गए। उस परिवार का दृश्य सचमुच चकित कर देने वाला था। सम्राट ने इस असीम निश्चलता का कारण जानना चाहा। परिवार के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने संकेत से पेन और लेटर मंगवाकर कांपते हाथों से उस पर लिखा, सहनशीलता, टॉलरेंस। तो आज का ये बर्निंग क्वेश्चन है कि व्यक्ति अपने आप में बदलाव कैसे लाए, बदलाव के लिए न्यू हॉरिजॉन्स को टच कैसे करें। इस संदर्भ, इस रिफरेंस में जब गहराई से चिंतन किया, तब ज्ञात होता है कि जो व्यक्ति प्रत्येक स्थिति में बैलेंस रख सकता है, वह डेली नए क्रिएशन करने की एबिलिटी बढ़ाते हुए एक नायाब को प्राप्त कर लेता है। किसी कामयाब शख्स ने कहा था, सफल होने के लिए आपको बाकी दुनिया के 98% लोगों से खुद को अलग करना होगा। निश्चित रूप से आप सबसे ऊंचे स्थित उस विशिष्ट 2% में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए सिर्फ चतुर होना, मेहनत करना और इंटेलिजेंस से इन्वेस्टमेंट करना पर्याप्त नहीं है। कामयाबी का एक ही फॉर्मूला है, एक ही रेसिपी है जिसे 2% लोग अपनाते हैं। वह है, बड़ा सोचो और जुट जाओ।